एवेंजर कैंग डायनेस्टी का कंसेप्ट क्या होगा? बहुत सारे कैंग के वेरिएंट 616 वाले यूनिवर्स में आ जाएंगे और उसमें से कुछ वेरिएंट तो ऐसे होंगे इसे देखने के बाद तुम्हें साइकिल से गिनने का मन करेगा। देखो मार्वल के जितने यूनिवर्स है उसकी क्वांटम फील्ड आपस में कनेक्ट है, तो कहानी कुछ ये होगी कि तीन लोग क्वांटम फील्ड में घूम रहे होंगे और वहां मिलेगा इनको कैंग द कॉन्करेंट और कोई भी रीजन से जितने भी कैंग के वेरिएंट होंगे वो अपने यूनिवर्स में आ जाएंगे। पर कैंग को इतना इंपोर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? लोकी सीजन 1 में कैंग विलन था, लोकी सीजन 2 में भी कैंग विलन होने वाला है, एंटमैन 3 में भी कैंग विलन होने वाला है और कैंग पे एक डेडिकेटेड पिक्चर भी बन रही है। देखो जैसा हमें कैंग दिखाया वैसा वो है नहीं, वो सबसे कमजोर वेरिएंट था और कॉमिक्स हो या एनिमेटेड सीरीज कैंग ने एवेंजर को हराने की कदार पिला दिया था। कैंग के सामने जितने भी एवेंजर होने वाले उसमें से 80% नए हीरो हो गए। हम पुराने वाले एवेंजर को मिस करेंगे पर यही दुनिया का दस्तूर है। अगर हम नए एवेंजर की बात करें तो उसमें स्पाइडरमैन, केट बिशप, हॉकआई, आयरन हार्ट, थॉर, थॉर की लड़की, अमेरिकन चावेस, डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉन सी हल्क, हल्क, मून नाइट, एको, एंटमैन की पंटर, डेडेविल और शायद तक म्यूटेंट्स। ये पूरी पिक्चर मार्वल की लाइफ बदल सकती है पर इसे ठीक तरह से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जली ना तेरी भी जली ना।